राम जन्मोत्सव के मौके पर रामलला के परिसर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। नवाह पाठ के साथ साथ वैदिक विद्वान धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। 1.25 क्विंटल दूध से अभिषेक किया गया है। षष्ठोपचार विधि से भगवान का पूजन किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप रामनवमी पर अयोध्या की झलक, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर रामनवमी पर पूजा की जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं और रामनवमी की ये तस्वीर जो कि बेहद खास, दुख के साथ स्नान करवाया जा रहा है प्रभु श्री राम को। और आज सूर्य तिलक भी प्रभु श्री राम का दिखाई देगा क्योंकि पूरा अरेंजमेंट इसके लिए कर लिया गया है। सूर्य की किरणों से प्रभु श्री राम के ललाट पर जब रोशनी पड़ेगी तो बेहद खूबसूरत नजारा आज दिखाई देने वाला है रामनवमी पर। लेकिन उससे पहले विधि विधान के साथ जो धार्मिक अनुष्ठान किया गया, पूजा अर्चना की गई, वो आप देख सकते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। दूध से अभिषेक किया जा रहा है, दूध से स्नान कराया जा रहा है प्रभु श्री राम को। अयोध्या नगरी में आज राम भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। रामलला के जन्मोत्सव पर राम भक्तों का जोश हाई है। इस दौरान भगवान रामलला का नन्हा भक्त खुद रामलला के स्वरूप पे पहुंचा और रामलला के दर्शन किए। आपको बता दें कि आज सुबह 3 बजे से ही राम भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए थे। आप प्रभु श्री राम का नन्हा सा भक्त भक्तों के सैलाब के बीच दर्शन करने के लिए पहुंचा रामनवमी के मौके पर। और उसके पीछे आप देख लीजिए अयोध्या नगरी में किस तरह भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। रामपथ से हमारे साथ हमारी सहयोगी मेनका चौधरी इस वक्त जुड़ गई हैं। मेनका, आज एक भव्य नजारा दिखाई देने वाला है जब सूर्य तिलक होगा, प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। इसके लिए अरेंजमेंट्स भी कर लिए गए हैं, लेकिन फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं आपके साथ कुछ श्रद्धालु दिख रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए और दिखाइए कि किस तरह से चरम पर है आज उत्साह राम भक्तों का। बिल्कुल, राम प्रकट होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि राम के श्रद्धालुओं का उत्साह तो बहुत ज़्यादा है और वो भी तब जबकि भव्य दिव्य राम मंदिर में पहली रामनवमी है, तो हर तरफ उत्साह है और प्रबंध भी उत्साह के बराबर ही प्रशासन का देखने को मिल रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत सारे लोग अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करना चाहते हैं राम मंदिर को लेकर। मैम, आप कहाँ से आए? फैजाबाद से ही हैं। फैजाबाद से ही हैं? हाँ। कितना बदल गया? बहुत बदल गया, बहुत बदल गया, अद्भुत। हम कल्पना से परे, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन काल में हमको ये राम मंदिर के दर्शन हो रहे हैं और राम मंदिर बनाया मोदी और योगी जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शन हुए आज या अभी करेंगे? हम 2-3 बार कर चुके हैं, आज करेंगे। 2-3 बार? बताइए, इतनी लंबी कतार लग रही है और 2-3 बार इन्होंने दर्शन किए? ये हाँ, मैं भी अयोध्या से हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सालों में हम लोग को नियर अबाउट 30 ईयर्स हो गए, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी 3-4 बार अयोध्या बनने के बाद मैं आई हूँ और इतना खुशी होती है। आज पहली बार मैं हिम्मत करके यहाँ पे रामनवमी पे आई हूँ और लग रहा था। अच्छा, मतलब आप यही अयोध्या की ही है लेकिन रामनवमी पर पहली बार आई है क्योंकि इस बार व्यवस्था देखने को मिल रही है। माता जी, आप कहाँ से? वी केम फ्रॉम लाइक ग्रुप 50 पीपल केम फ्रॉम आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। राम जी के दर्शन को, राम जी के दर्शन एंड हनुमान का, वी आर वेरी प्राइड एंड प्राउड टू सी दिस। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन कार सेवा आल्सो, आई लिव्ड हियर। आप कार सेवा में भी आपने हिस्सा लिया था? Yes. यानी कि इसी अयोध्या में? Yes. 11 days.
आई स्टेड हियर। ये देखिए, ये कार सेवा में इन्होंने हिस्सा लिया जब एक बहुत बड़ा आंदोलन राम मंदिर को लेकर हुआ, और आज जब राम मंदिर बन गया है तो राम के जन्म के मौके पर भी पहुंची हैं। बहुत भावुक पल होगा आपके लिए। आई एम सेयोस वेरी वेरी, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय संतोष, बहुत खुशी है हम। आप भी साथ में ही हैं? या शी इज माय मदर एंड इन ड्यूरिंग दैट टाइम अयोध्या आई हैड अ बेबी, शी लेफ्ट मी एंड माय बेबी एंड शी वेंट फॉर द कर सेवा। शी वाज माय मदर वाज वर्किंग फॉर बीजेपी एज अ महिला मोर्चा। अभी भी काम करती हैं? नो, नाउ नॉट नाउ, नाउ शी। अच्छा, उस वक्त एक्टिव थी और आपको बेबी हुआ था और आपने सोची नातिन को देखने की जगह राम मंदिर में कार सेवा के लिए आई थी, राम आंदोलन के लिए आई थी, और अब बीजेपी, शी वांट आवर कंट्री, फॉर आवर कंट्री भारत। She also went for रथ यात्रा with अडवाणी जी। रथ यात्रा में भी शामिल हुई थी, कार सेवा में भी शामिल हुई थी, और अब जब राम जन्मभूमि तैयार है तो फिर राम के जन्म के मौके पर भी शामिल हो रही हैं एक श्रद्धालु के तौर पर। तो कैसा लग रहा है कार सेवक के तौर पर आना और अब एक श्रद्धालु के तौर पर आना? वेरी एक्साइटिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग। आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो हैप्पी, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, आई एम गेटिंग टीयर्स। I gave my property agreements and I came. I ready to give my life for cancer. She signed documents. Okay. My father took her signatures because we thought they may not come. Karseva, that time it was a lot of political this thing. So many people lost their lives also. So my mother is very proud to be here. ये क्षण मतलब मैं शायद महसूस ना कर पाऊँ, लेकिन वाकई एक कार सेवक के तौर पर आना और अब आप एक श्रद्धालु के तौर पर आई हैं, और आपने सब कुछ खोया और उसको खोया मानेंगी या चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया? She has, she was ready to give her life. She prepared and she came. That was her. ये बहुत इमोशनल और भावुक पल है इनके लिए भी, और जाहिर सी बात है आप भी समझ सकते हैं कि जिन्होंने कार सेवा की, जिन्होंने घर परिवार को छोड़ा, राम के आंदोलन से जुड़ी रही और आज एक आम श्रद्धालु की तरह राम के मंदिर में पहुंची हैं, तो भावनाएं जो है वो बाहर आ रही है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? नंदेड़, महाराष्ट्र। बिल्कुल, वाकई भावुक कर देने वाला पल है इन श्रद्धालुओं के लिए।